अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर अगर आप भूल गए हो तो किस तरीके से आप अपना डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर मालूम कर सकते हो, वीडियो में आपको बताऊंगा। डिजी लॉकर का यूज हम तब करते हैं जब किसी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह में आपसे सरकारी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो वहां पे आपको ऑप्शन होता है कि डिजी लॉकर से अपने सरकारी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। लेकिन अपलोड करने के लिए डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर आपको फिल करना ही होगा, तभी आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। तो वीडियो में हम यही जानेंगे डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर अगर आप भूल गए हो तो किस तरीके से आप मालूम कर सकते हो। स्टेप्स काफी आसान है, वीडियो को आपको पूरे लास्ट तक देखना है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन के प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डिजी लॉकर एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। डिजी लॉकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से ओपन करना है। डिजी लॉकर एप्लीकेशन को आप किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, सिंपली अपने अकॉर्डिंग यहां से आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। डिजी लॉकर पे जितना भी सरकारी डॉक्यूमेंट है आप यहां से इशू कर सकते हो, और जो भी डॉक्यूमेंट इशू होता है यहां पे वो पूरी तरीके से सेफ रहता है, और इस डॉक्यूमेंट को आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट की ही तरह यूज कर सकते हो। फिर आपको यहां पे नेक्स्ट ऑल ऑप्शन पे टैप करना है। डिजी लॉकर आप एंड्रॉइड, iOS फोन या फिर वेब वर्जन में आप यूज कर सकते हो, सिंपली आपको यहां से नेक्स्ट करना है। बॉटम में आपको लेट्स गो वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहां पे टैप करना है। अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर मालूम करने के लिए, फॉरगेट करने के लिए बॉटम में आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन में आ जाना है। डिजी लॉकर पे किस तरीके से नया अकाउंट बनाया जाता है, नया सिक्योरिटी पिन सेट किया जाता है, और डिजी लॉकर से कैसे आप डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हो, ये अगर आपको जानना है तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। लेकिन यहां पर ये प्रॉब्लम है कि डिजी लॉकर पे पहले कभी आपने अकाउंट बनाया होगा और बाद में आप अपना सिक्योरिटी पिन नंबर भूल गए, तो इसे मालूम करने के लिए सिंपली यहां पर आपको साइन इन पे टैप करना है, और यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आधार या फिर यूजर नेम से लॉगिन करना है। डिजी लॉकर में आपने अकाउंट बनाते टाइम जो मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर दिया होगा, सिंपली यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर, आधार नंबर फिल करना है। मैं यहाँ पर आधार नंबर फिल करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा, यहाँ पर आपको वो OTP नंबर फिल करना है, और बाद में आपको यहाँ पे जैसा कैप्चा दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर वही कैप्चा फिल करना है। ये कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा कैप्चा अगर आपको चाहिए तो यहां आपको ट्राई अनदर पे टैप करना है। OTP और कैप्चा फिल करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। डिजी लॉकर एप्लीकेशन में आप लॉगिन करोगे तो यहां भी आपको 6 डिजिट का अपना सिक्योरिटी पिन नंबर फिल करना पड़ेगा, तभी आप यहां पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन आप यहां पर अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर ही भूल गए तो यहां आपको मालूम करने के लिए सिंपली आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में होगा बिल्कुल यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको नेक्स्ट करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप फिल करोगे तो यहाँ आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर सेट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना नया 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर फिल करना है। सिंपली यहाँ पर आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर फिल करके सबमिट पे टैप करना है। अब उसके बाद आपका नया वाला सिक्योरिटी पिन नंबर सेट हो जाएगा। अब जब भी आपसे डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ आपको नया वाला सिक्योरिटी पिन नंबर आपको फिल करना है। तो डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन नंबर आप भूल जाते हो तो इस तरीके से आप फॉरगेट कर सकते हो। इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज को डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।